राजस्थान में कांग्रेस के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगी है। पोस्ट में सचिन पायलट की एक तस्वीर है और दावा किया जा रहा है कि 1993 में मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए जिन लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी उनमें से सचिन पायलट भी शामिल थे। जुलाई 2015 में देश की कई जानी मानी हस्तियों ने चिट्ठी के जरिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अपील की थी कि याकूब मेमन की फांसी की सजा माफ हो। हालांकि मेमन की दया याचिका आखिर में खारिज हो गई थी। उस समय ये मामला काफी सुर्खियों में आया था। अब इसी मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया पर सचिन पायलट को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें आतंकवाद समर्थक बताया जा रहा है। हमने पाया कि वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा बिल्कुल गलत है। सचिन पायलट ने याकूब मेमन की फांसी टालने के लिए राष्ट्रपति को कोई भी चिट्ठी नहीं लिखी थी और न ही किसी पोस्ट का समर्थन किया था। पोस्ट को शेयर करते हुए फेसबुक यूजर्स ने कैप्शन में लिखा है कि सिर्फ जाति के नाम पर मैं किसी चीज और नीच और आतंकवादियों की पैरवी करने वालों की रिपोर्ट सपोर्ट नहीं कर सकता और न ही मेरे गुर्जर समाज को सचिन पायलट का सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ जाति के नाम पर किसी को सपोर्ट करना बुद्धिमानी नहीं है बल्कि मूर्खता है। इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। फेसबुक और ट्विटर पर ये गलत जानकारी कई सालों से फैल रही है। वायरल पोस्ट आपको यहाँ दिख सकती है। क्या है सच्चाई? खोजने पर हमने पाया कि जिसमें याकूब मेमन के लिए राष्ट्रपति को लिखी गई चिट्ठी का जिक्र था वो 26 जुलाई 2015 को प्रकाशित हुई विदा हिंदू की एक रिपोर्ट में इस चिट्ठी का ब्यौरा दिया गया है। इस चिट्ठी में शामिल लोगों में देश के कई कानूनी और पूर्व न्यायाधीश, सांसद, नेता, पत्रकार आदि का नाम था। लोगों ने राष्ट्रपति से याकूब मेमन की दया याचिका को स्वीकार करने का निवेदन किया था। खबरों के मुताबिक 15 पेज की इस चिट्ठी में तकरीबन 300 नाम थे जिनमें कुछ तथ्य के अनुसार मेमन की फांसी रुकवाने की अपील की गई थी। विदा हिंदू की इस रिपोर्ट में ये सारे नाम मौजूद हैं। यहाँ कहीं पर भी सचिन पायलट का नाम नहीं लिखा है। ये चिट्ठी उस समय हाफ पोस्ट और कानून मामलों से जुड़ी एक वेबसाइट एडवोकेट पर भी डाली गई। इन खबरों में भी सचिन पायलट के नाम का जिक्र नहीं था। जानकारी की पुख्ता करने के लिए हमारे राजस्थान संवाददाता ने सचिन पायलट से भी संपर्क किया। सचिन पायलट ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि पोस्ट में कही गई बात झूठी है। सचिन पायलट का कहना था कि ये दावे कई सालों से इंटरनेट पर फैल रहे हैं और उन्होंने याकूब मेमन को लेकर कोई भी ऐसी चिट्ठी का समर्थन नहीं किया है। साथ ही हमें कोई भी ऐसी विश्वसनीय खबर नहीं मिली कि जिससे जिक्र हो कि सचिन पायलट याकूब मेमन को लेकर लिखी गई चिट्ठी में शामिल थे। सचिन पायलट 2015 में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर ये याकूब मेमन की फांसी को माफ कराने की अपील करते तो उनका ये समर्थन चर्चा में आता और मीडिया में जरूर कवर होता। यहाँ साबित होता है पिछले कई सालों से सचिन पायलट को लेकर जो खबर वायरल हो रही है वो झूठी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।